चुटकियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं इस मज़ेदार लच्छेदार मसालेदार पराठे को। 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। जब भी लगे भूख, बच्चे हों या बड़े, बड़े आराम से इसको बनाकर खा सकते हैं। तो इस मसालेदार लच्छेदार और मज़ेदार पराठे को चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में, और ऐसे ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रंगोली किचन को, और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके हमारी ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी। इस लच्छेदार और मसालेदार पराठे को बनाना बहुत आसान है। करना ये है कि रोज़ जो आटा हम गूंदते हैं ना रोटी के लिए, जिससे हम रोटी बनाते हैं, बस उसी आटे से एक पेड़ा लेना है, रोटी बेल लेना है सूखे आटे की मदद से। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको बेल लेना है। तो बस रोटी इस तरह से बेल लिया, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे और घी डालेंगे। तो सबसे पहले घी, और आधा चम्मच के आसपास मैंने घी लिया है। बस इतना घी लेना है जिससे पूरी रोटी पर आराम से लग जाए। और घी लग गया, अब डालना है इसमें कुछ मसाले, नमक, एकदम चटपटा बनाना है। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और ज़्यादा चटपटा खाना है तो थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, कसूरी मेथी, और बस तैयार हो गया। तो अब इसमें हम लगाएंगे कट। तो जितने लच्छे चाहिए ना उतने कट आप लगा सकते हैं। तो मैं 1/2 इंची पे एक कट लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरी रोटी में कट लगा लूँगी, और उसके बाद हम इसको फिर से रोल करेंगे और फिर बेलेंगे और फिर हम इसका बनाएंगे पराठा। तो लीजिए कट कर लिया, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो चलिए फोल्ड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम पहले इसको इकट्ठा करेंगे, और इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर चुके हैं। और बस देखिए काफ़ी लच्छे बनने वाले हैं पराठों में। तो बस थोड़ा सा फैलाएंगे और उंगली पे इस तरह से लपेट कर इसको वापस पेड़ा बना लेना है, वो भी लच्छे वाला, कुछ इस तरह से। और अब थोड़ा सा लगाएंगे इसमें सूखा आटा, और बस वापस इसको हम बेल लेंगे। तो चलिए इसको हम बेल लेते हैं। और तवा भी अपना गरम हो चुका है और आँच को मैंने धीमा कर दिया है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसको हम अच्छे से बेलेंगे, और फिर इस पराठे को गर्मा गर्म तवे पर सेकेंगे एकदम क्रिस्पी और करारी। तो चलिए इसको डालते हैं गर्मा गर्म तवे के ऊपर। तो ये गया पराठा अपना तवे के ऊपर, और इसको बस उलट पलट कर हमें सेकना है एकदम क्रिस्प और करारी। और आप चाहे तो इसे सेक सकते हैं रिफाइंड ऑयल में, लेकिन जो देसी घी वाली बात होती है ना पराठों के अंदर, वो तो गजब की होती है। तो मैं तो कहूँगी कि आप देसी घी में एकदम बढ़िया से इसको सेकिए और फिर इसका आनंद लीजिए। दही, रायता या फिर चाय कॉफ़ी के साथ, या कभी कभी अचार के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 2 मिनट में बनकर ये पराठा तैयार हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्रिज में आपके पास आटा गूंधा हुआ पड़ा होता है, बस निकालिए और 2 मिनट में इस पराठे को सेकिए और फटाफट खा लीजिए। तो है ना बहुत आसान। तो अपना पराठा तो एकदम क्रिस्पी और करारी सेक चुकी है, तो दूसरा भी डाल देते हैं, और इसको भी उलट पलट कर हम वापस उसी तरह से सेक लेंगे, और फिर हम इसका आनंद लेंगे बूंदी वाले रायते के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, कभी ट्राई कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया और आपका कैसा बना, ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक दिए बिना आगे मत बढ़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इतनी आसानी से बनने वाली पराठे को अपने किचन में ट्राई करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सोचिएगा बिल्कुल भी मत। तो बहुत ही क्रिस्पी और करारी पराठे को हमने सेक लिया है। तो घी के साथ जो पराठे बनते हैं ना, वाकई उसकी तो बात ही अलग होती है। तो किन किन को घी वाले पराठे पसंद है लिखकर ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो
वीडियो को देखकर एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो बस बहुत ही क्रिस्पी और करारी लच्छेदार पराठा अपना बनकर तैयार है और आज मैं इसको सर्व करने वाली हूँ बूंदी के रायते के साथ। और आप चाहें तो इसको दही के साथ भी खा सकते हैं और अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं, कैसे भी खाइए, बस मज़ा आ जाएगा। और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही, बस गूंधा हुआ आटा होना चाहिए आपके पास और आपके पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक देते जाइएगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।